बार बार जो हम कहते हैं कि Continue. जीवन मरण के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है वो एक डिवोटी, yes. तो भगवान को पाना एग्जैक्टली है क्या, और जीवन मरण से मुक्ति है क्या, क्योंकि ये कोई शरीर नहीं है, ये एक सोल है, तो क्या ऐसी कोई प्लेस है जहाँ yes. आत्मा और परमात्मा होंगी, या yes, 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 yes. गुड पॉइंट. सो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावका ये गत्वा व निर्वतन्ते तद्धामं परमं मम. तो भगवान सबसे पहले बता रहे हैं कि एक तो ये संसार है, इस संसार को देख लो अच्छे से इन आँखों से. एक दूसरा संसार है, उस संसार को देखने के लिए, उस संसार का अनुभव करने के लिए तुम्हें मेरी आँखों से देखना होगा चीज़ों को, यानी कि कृष्ण भावना भावित होना होगा. भगवान कह रहे हैं इस संसार में तो सूर्य है, उस संसार में सूर्य नहीं है. इस संसार में चंद्रमा है, उस संसार में चंद्रमा भी नहीं है. ना तो सूर्य है ना चंद्रमा है, वहाँ पे अग्नि नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, वो स्वतः प्रकाशित होता है. यहाँ पे तो क्या है कि किसी चीज़ को खाना है तो उसके लिए सामान अरेंज करना होगा, खाने के लिए उसको मे भी बनाना भी होगा, और फिर उसको बना के भगवान को भोग लगाना होगा, फिर खाना होगा. खाने के लिए एक प्रोसेस हो गई वो, इट इज़ ए प्रोसेस इन इट सेल्फ. बट व्हाट कृष्णा इज टेलिंग कि मेरे धाम में आपने इच्छा करी, आपकी भूख बढ़िया से बढ़िया पकवानों से पूरी हो जाएगी. आप कहेंगे डज दैट प्लेस एग्जिस्ट? यस दैट प्लेस एग्जिस्ट, बिकॉज कृष्णा इज कन्फर्मिंग दैट इन भगवद गीता. एंड आवर एम ऑफ लाइफ इज कि अल्टीमेटली हम जो साइकिल है, हम कहते हैं ना साइकिल से बाहर निकलो, साइकिल से बाहर निकलो. सो आपका क्वेश्चन यही है कि साइकिल से बाहर निकलने का मतलब क्या है. सो साइकिल से बाहर निकलने का एक मतलब ये भी है कि जब आप इस संसार में रहते हो, इस संसार की चीज़ों से अपने आप को पूरा डिस्कनेक्ट कर देते हो. इज इट अ थ्योरी? द आंसर इज इट इज़ नॉट थ्योरी. हम मेंटली जब इस संसार की चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इस संसार में रहते हुए भी हम मुक्त हो जाते हैं, और इसको बोला जाता है टेक्निकली जीवन मुक्त. सब चेतना के स्तर पे चलता है, बाहर से नहीं लगेगा, बाहर से सब सेम लगेगा. ये जो जीवन मुक्त टर्म है ये बहुत बड़ी टर्म है. जीवन मुक्त मतलब इस संसार में रहते हुए आप मुक्त हो चुके हो. किस चीज़ से? इस संसार के जितने भी ताप हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप मुक्त हो चुके हो. तो भगवान उस चीज़ का एक्सेस देंगे आपको जब आप अधिकारी बन जाएंगे. अभी आपको उसका पता नहीं है क्योंकि अभी आपने उस चीज़ का अनुभव नहीं किया, परंतु हमें भगवान के वर्ड्स पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा जरूर होगा. बहुत लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, इस संसार में ये तो हम मानते हैं कि सब चीज़ टेम्परेरी है. इज एनी डाउट ऑन दिस? वी ऑल एक्सेप्ट इट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेम्परेरी. हमारा शरीर भी टेम्परेरी है. अब अगर हम लॉजिकली सोचें तो यहाँ पे इस संसार में हर चीज़ कॉन्ट्रास्ट पे चलती है, एक्सट्रीम होता है ना. बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, गर्मी होगी, दिन होगा, रात होगी, लिक्विड होगा, हार्ड होगा, यू नो दीज आर द कॉन्ट्रास्ट. अगर ये टेम्परेरी है, देर हैज़ टू बी समथिंग परमानेंट ऑल्सो. लॉजिकली सोचिए, भगवान ने अगर केवल सब कुछ टेम्परेरी बनाया तो कुछ तो परमानेंट भी बनाएंगे ना भगवान. तो भगवान ने उस परमानेंट के बारे में बताया भगवद्गीता में. भगवान ने टेम्परेरी के बारे में भी बताया, परमानेंट के बारे में भी बताया. वो टेम्परेरी चीज़ वैलिडेटेड है ऑलरेडी, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए फैक्ट. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है? मैटर है ना. मैटर मीन्स टेम्परेरी, एंड देन देयर इज अ परमानेंट. परमानेंट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड दिस मैटर, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी. मतलब या उसको हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू हम उस परमानेंट सब्जेक्ट मैटर को एक्सेस कर सकते हैं. यस अभी हमारी आंखें विकसित नहीं हुई उस परमानेंट सब्जेक्ट को देखने के लिए. उस परमानेंट सब्जेक्ट को देखने के लिए हमें ज्ञान अर्जित करना होता है. धीरे धीरे हम ज्ञान को अर्जित करके, ज्ञान बेसिकली जब हम अर्जित करते हैं तो हम आंखों से नहीं देखते चीज़ों को, हम अपने कानों से सुनकर जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उस ज्ञान से चीज़ों को देखते हैं. फिर आँखें सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती, फिर तो हमारी चेतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. चेतना में आंखें
अगर आप देखें तो चेतना में आंखें नहीं है ना। चेतना में क्या है? तीन चीजें, सोचना, फील करना, इच्छा करना, विल करना। विल करना मीन्स कैपेसिटी, द इंडिपेंडेंट कैपेसिटी ऑफ ए लिविंग एंटिटी टू चूज दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, लेट मी चूज फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस। सो ये कॉन्शियसनेस की बेसिकली एक कॉन्शियसनेस की कैपेबिलिटी है जिसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। इज दिस फाइन? क्लियर है टू सम एक्सटेंट? तो लॉजिकली भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑल्सो दैट एग्जिस्ट,